धन्यवाद जो है संसार सिंह जी। देखिए इनका कहना है कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट लगातार सहारा के पीड़ित निवेशकों की अनदेखी कर रहा है और लगातार कई सालों से अनदेखी हो रही है, तो भुगतान के लिए निकलना पड़ेगा और बगैर निकले और बगैर बड़ा आंदोलन किए भुगतान संभव नहीं। मेरे साथ में कई लोग और जुड़े हैं। देखिए अभी जो है मोहित जी जुड़े हैं, मोहित पाटकर, तो मैं चाह रहा हूं कि मोहित पाटकर भी अपनी बात रखें। म्यूट कर दिया आपका वाइट हाँ म्यूट भाई, है, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, आप अनम्यूट नहीं है। आवाज नहीं आ मोहित पा जी, रही। देखिए आवाज नहीं आ पा रही मोहित जी आपकी। अन्य साथी को मौका दीजिए, नीरज जी अन्य साथी को मौका दीजिए। चलिए जो है चौधरी जी जुड़े हैं, केशव चौधरी जी, मैं चाह रहा हूं कि वो अपनी बात रखें, बिहार से हैं। लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा हृदय से नमस्कार, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को भी दिल से नमस्कार, और सबसे पहला प्रणाम आज तो उनको बनता है जिन्होंने इतने बड़े मंच को संचालक करने का प्रभार हमारे नीरज भैया के हाथ में सौंपा है। वो क्यू भाई के पत्रकार महोदय पाठक जी, उनको भले ही वो सामने नहीं है लेकिन उनको दिल से नमस्कार करने का मन इसलिए कर रहा है कि वो एक पत्रकार होने के नाते भी आज भी वो बिकाऊ पत्रकार में से नहीं है और वो बिकने वाले में से भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह हम जैसे गरीब आदमी जो कहीं लड़ नहीं सकता है, देह के अलावा कहीं लड़ नहीं सकता है, भीख मांग के लड़ता है, भीख मांग के खाता है, ऐसे व्यक्ति के वो इस तरह के व्यक्ति के जो हर 13 करोड़ जमा करता और कार्यकर्ता हैं सब हैं उनके लिए ये चैनल को समर्पित किया, इनके लिए उनको हम दिल से प्रणाम करते हैं आज। दूसरी बात, अब यह चीज दिमाग से निकाल दीजिए और दिल से खुरच खुरच कर निकाल दीजिए कि वर्तमान सरकार को मतदान नहीं, सहारा का भुगतान नहीं, मोदी को हराएंगे, बीजेपी को हराएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, फलना को जिताएंगे, यह चीज दिमाग से खुरच खुरच कर निकाल दीजिए, क्योंकि यह बात आप सोचना दूर दूर तक असंभव है कि मोदी को हरा कर हम भुगतान लेने वाले हैं। अपने भुगतान के लिए जो प्रयास करना है उस प्रयास को करना है और इस प्रयास में दूर दूर तक, शायद अगले 15-20 बरस तक, दूर दूर तक मतलब अगले 15-20 बरस तक सुप्रीम कोर्ट की औकात तो कहीं से नहीं दिख रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस औकात से काम कर रहा है, मुझे अब असभ्य भाषा बोलना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जो करना होगा कर देगा, चार लटका देगा फांसी पर, कोई दिक्कत हमको नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो औकात है वो अपनी संपूर्ण औकात को भूल चुका है और जो देश का एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी, चाहे पिछला तबका का हो कि बड़ा तबका का हो, सभी आदमी इस आशा रखता है कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है जो सभी का न्याय करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा अन्याय कर रहा है जिस अन्याय की तुलना शायद लंका दहन से भी नहीं किया जा सकता है, लंका दहन भी इस अन्याय के आगे बहुत कम पड़ जा रहा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का भी आशा मत कीजिए। और सोराही बात सुब्रत राय, और सुब्रत राय तो बेचारे मर गए, अब तो वो किसी के नहीं है, न हमारे हैं न आपके हैं, लेकिन अभी भी जो उसमें दोगले कुत्ते श्रीवास्तव बैठे हुए हैं, डीके श्रीवास्तव, वो उस टाइप के आदमी हैं कि अभी भी जितना ऑफिस बंद है वो सारे ऑफिस खुले होने के कारण भी अंदर से खुला हुआ ऑफिस है और वो ये मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी आदमी संगठन का साथ नहीं देगा, सभी को पैसा हम देंगे और कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ेगा। इसका परिणाम ये हो रहा है कि आज भी जितने हमारे एजेंट, चाटुकार एजेंट बैठे हुए हैं अपने अपने घर में, वो उस बात को सुनते हैं कि वो क्या कर रहा है, लेकिन आंदोलन के माध्यम से भुगतान होने की संभावना बढ़ रही है तो उनके पास में न समय है और न पैसा है, न समय है न पैसा है, न आगे आते हैं न पीछे आते हैं, नपुंसक के तरह बैठे हुए हैं घर में। मुझे बोलते हुए कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन ये इस तरह के, इस टाइप के आदमी अभी भी एजेंट हैं। अगर ऐसा एजेंट
नहीं होते तो आज हमारे संगठन में संख्या का अभाव नहीं होता और ना पैसा का अभाव होता है। संख्या का अभाव है और पैसा का भी अभाव है संगठन में, यही कारण है। लेकिन अब हम अंतिम बात सिर्फ यही कहना चाहेंगे, हम बहुत लंबा बात को नहीं कहने वाले हैं। अब अंतिम और अंतिम बात यही कहना चाह रहे हैं कि जो इस बार जाएंगे दिल्ली का आंदोलन में, वो इस नाते नहीं जाएंगे कि हमको पुनः घर वापस आ जाना है। यदि यदि वहां पर पुलिस के लाठी, पानी का बौछार, रंग का बौछार, रबर की गोली या ओरिजिनल 3.3 का गोली भी खाना पड़े तो ये बात जान लीजिए हम लोग खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि हम लोग वहां से वापस आएंगे, आएंगे या तो जेल जाएंगे या फिर सरकार से वो रास्ता निकाल कर आएंगे जिस रास्ता के लिए हम लोग जा रहे हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब वो आशा छोड़ दीजिए कि संख्या हमारी 5 लाख होगी कि 10 लाख होगी कि 5,000 होगी कि 10,000 होगी, लेकिन जो भी आदमी जाएंगे वो इस नाते नहीं जाएंगे कि हमको वहां से वापस आना है इस हिसाब से कि भुगतान हमको नहीं मिले या मिले तो वापस आना है, इस नाते से मत चलिए। वो कंप्लीट अपने आप में सब कुछ बांध के चलिए, सर पे कफर बांध के चलिए, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। चाटुकारिता करने के लिए पीछे नहीं रहेंगे, वो अभी भी कर रहे हैं और प्रत्येक टीम में, प्रत्येक ग्रुप में, प्रत्येक में लिखना जानते हैं लेकिन वो आगे आकर बोलना नहीं जानते हैं। यूट्यूब पर चैनल बनाना जानते हैं लेकिन वो आगे आना नहीं जानते हैं। वो आज भी हैं बहुत सारे, क्या क्या नाम बोले, नाम बोलने में तो हमको खुद शर्म लगता है, ऐसे ऐसे आदमी सब हैं जिनका नाम बोलने में शर्म लगता है। वो आज भी बता रहे हैं कि PILIS PIL से फलना चीज होगा, PIL से फलना चीज होगा, कहीं से कुछ होने वाला नहीं, कहीं से कुछ नहीं होगा। कोर्ट के चक्कर में आज 12 साल से हम लोग पिस रहे हैं और इतनी बारीकी से पिस चुके हैं कि ना उठ पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं, ना मर पा रहे हैं। ये स्थिति कोर्ट का है और यह चीज शायद किसी छिपा हुआ नहीं है। हाँ, एक चीज है कि हमारे अमित शाह जी और मोदी जी ये वर्तमान में सहारा इंडिया के लिए अंधे बने हुए हैं, एकदम बहरे बने हुए हैं, हम लोग उनसे सीधा नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन एक काम और करेंगे, नीरज जी, नीरज भैया, आप याद रखिएगा और इस वीडियो को याद रखिएगा, अगर कभी मौका मिलेगा तो मेरा सांस अगर नहीं रहे तो वीडियो को दिखाइएगा जरूर। हम कम से कम वहां पर ये बताएंगे और ये जरूर करेंगे कि जो पत्रकार आएगा हम उस पत्रकार को कंप्लीट वो हद तक दिखाने का प्रयास करेंगे उस पत्रकार को, तो उनकी औकात समझ में आ जाएगी, ये बात याद रखिएगा। चाहे उसके लिए हमको जो कुछ करना पड़े, जो कदम उठाना पड़े, हो सकता है पुलिस से हम लड़ने वाले नहीं है क्योंकि पुलिस का कोई दोष नहीं है, लेकिन जो चौथा स्तंभ पत्रकारिता करने वाले मीडिया है, मुंह से असभ्य भाषा निकल रहा है लेकिन यूट्यूब लाइन पर हम तो नहीं निकालेंगे असभ्य भाषा। हमारे शुक्ला भैया हाथ बोल दिया है कि अब असभ्य भाषा नहीं निकालना, हमको नहीं निकालना है, लेकिन ये बात जान लीजिए कि हम कोई भी वहां पर कर्म नहीं चुकेंगे मीडिया के प्रति, खास करके क्योंकि पुलिस का कोई दोष नहीं है, लेकिन मीडिया एक संपूर्ण अंधी बनी हुई है और क्यों अंधी बनी हुई है वो अपना अपना औकात दिखाएगा। हम लोग को भी क्षमता होगा तो अपना औकात वहां पर दिखा देंगे, सरकार से जाकर के PMO ऑफिस जाकर के वहां तो लड़ नहीं सकते हैं, घेरने का प्रयास करेंगे। केशव जी, भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।